नमस्कार दोस्तों, आज का खास वीडियो मुद्राओं से संबंधित है। योग विज्ञान में मुद्राओं का बहुत बड़ा महत्व है। मुद्राओं करने से या योग करने से हमारे मन को और हमारे शरीर को शांति मिलती है और कई सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें मिलती है। मुद्राएं जो है, मुद्राओं के दो प्रकार होते हैं। मुद्राएं आसन के रूप में बैठ कर भी की जा सकती है और जो मुद्राएं होती है वो हस्तों के द्वारा भी, जिन्हें हम लोग हस्त मुद्रा कहते हैं, उन हस्तों के द्वारा भी हम इन्हें कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हस्त मुद्राएं जो 12 प्रकार की होती है, लेकिन आज मैं आपको दो मुद्राएं सिखाने वाली हूँ। आपके मन में सवाल आया होगा कि अभी ये मुद्राएं कब और कितने समय के लिए करनी चाहिए। मुद्राएं जो होती है, आप दिन में इसे 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आप इसके करने की जो क्षमता है आप इसे बढ़ाओगे, इसके लाभ भी आपको उतने ही सारे मिलेंगे। सुबह मुद्राएं अगर आप खाली पेट पर करते हो, इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। मुद्राएं करने से पहले आप एक तो फिर आप 5 मिनट के लिए मुद्राएं कर सकते हो या 10 मिनट के लिए भी, यानी 10-10 मिनट के अंतराल से भी आप मुद्राएं कर सकते हो। तो मुद्राओं करने, जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे बैठना है, आसन लेना है, आसन पर बैठना है, और बैठने के बाद अगर आप इसे वज्रासन में अगर करते हैं तो वो भी सही है। पद्मासन अगर आप अच्छे से डाल सकते हो तो आप पद्मासन में बैठ सकते हो। इसे बैठने के लिए तकलीफ होती है वो कुर्सी पर बैठ कर भी ये आसन कर सकता है, और नीचे जमीन पर बैठ कर भी आप सीधे तरीका, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसे आपको सीधा रखना है, ना कि आप ऐसे झुक के बैठोगे, तो आपको सीधा बैठना है। सीधे बैठने के बाद आपके जो हाथ है, उन हाथों को आप क्या करोगे, आपके घुटनों पर रखोगे। घुटनों पर भी आपको अपनी हथेली जो है वो आकाश की ओर ऐसे रखना है सीधे, और रखने के बाद तो चलो चलते हैं मुद्राएं सीखने के लिए। सबसे पहले हम लोग ज्ञान मुद्रा यानी ध्यान मुद्रा कैसे करते वो देखेंगे। उसके लिए हमारे हाथ का अंगूठा और फर्स्ट फिंगर यानी तर्जनी, इनके बोरों को, यानी ये वाला पोर्शन, इनके बोरों को क्या करना है, इस प्रकार हमें जोड़ना है, और बाकी 3 उंगलियों को सीधे रखना है। ये हो गई आपकी ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा को इस प्रकार इस मुद्रा को करने के जो लाभ है, उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चे ओजस्वी बनते हैं, और हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु है वो मजबूत होते हैं, और उसके कारण हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, और जो भी नई नई चीज़ें हम सीखते हैं या बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसे ग्रहण करने की शक्ति इसमें बढ़ जाती है। इसीलिए इसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। आप घर में बैठे बैठे टीवी देखते समय भी इसे 5 मिनट कर सकते। जितनी ज़्यादा मुद्राएं या जितने समय आप करोगे उतना ही उसका फ़ायदा होगा। तो ये हो गई ज्ञान मुद्रा यानी ध्यान मुद्रा। उसके बाद दूसरी जो मुद्रा है उसे कहते हैं प्राण मुद्रा। उसके तो शब्द में ही अर्थ है, प्राण मुद्रा यानी पर्ण मुद्रा भी इसे कहा जाता है। आज की ये जो नंबर 3 पर जो उंगली होती है, जिसे हम लोग रिंग फिंगर भी कहते हैं, उस रिंग फिंगर का बोर और अंगूठे का बोर, इसे इस प्रकार हमें जोड़ना है, उसे प्रेस करना है, और उसे के साथ हमारी जो कनिष्ठा यानी जो छोटी वाली उंगली है उसे जोड़ना है, और बाकी की जो 2 उंगलियाँ हैं उसे हमें सीधे रखना है। यानी आपकी इस प्रकार मुद्राएं होंगी, और आप इन मुद्राओं को सेम टीवी देखते समय, आप खाली बैठे हो, खाली बैठे समय आप इसे ऐसे भी इस पोर्शन में आप इसे रख सकते हो, ये दिखने में ऐसी दिखेंगी। इन मुद्राओं का करने का लाभ ये होता है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ती है, क्योंकि बच्चे अभी ज़्यादा समय ऑनलाइन पर ही स्कूल
और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आँखों की रोशनी इससे बढ़ती है, रोग में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है और जितनी सारे विटामिन्स की जो कमी होती है उन कमियों को भी ये जो प्राण मुद्रा है ये दूर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे फेफड़ों की शक्ति भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। हमारे फेफड़ों को ये और नई ऊर्जा और नई शक्ति ये प्रदान करती है। तो आज हम लोगों ने दो मुद्राएं सीखी, पहली जो थी ज्ञान मुद्रा जो इस प्रकार करते हैं और दूसरी जो है वो प्राण मुद्रा जिसे इस प्रकार किया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखिए। और आने वाले एपिसोड्स में आप, जैसे आज हम लोगों ने दो मुद्राएँ सीखी, आने वाले एपिसोड में हम लोग 10 मुद्राएँ और उनके लाभ सीखने वाले हैं। धन्यवाद।